हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नोशीन और आज का जो वीडियो है थंबनेल देख कर आपको पता लग ही क्या होगा कि आज का वीडियो टोनर पे है। होममेड टोनर कैसे चार इंग्रेडिएंट से बना सकते हो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। उसके लिए करना होगा आपको बेल आइकन को प्रेस। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्टिंग, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है गुलाबरी का या कोई भी ब्रांड का, आप रोज़ वाटर ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप रोज़ वाटर लोगे। मेरे पास कोई दूसरी बॉटल नहीं थी, मैंने आधी जो खाली हो रखी थी रोज़ वाटर की बॉटल, उसी में ही मैं अपना टोनर बनाऊँगी। तो इस अच्छी तरह आपको ले लेना है रोज़ वाटर को। नेक्स्ट टाइम यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप कोई भी ले सकते हो, इसमें नींबू मिक्स है और नींबू अपनी स्किन को ब्राइट बनाता है। अगर आपके डार्क स्पॉट की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, बट कभी भी डायरेक्ट अपने फेस पे नींबू अप्लाई ना कीजिएगा, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर सकता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी स्किन के आपको कितना डालना, मैं फिर भी बता देती हूँ। 2 टेबल स्पून आपको ग्लिसरीन डालना है रोज़ वाटर में। 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन मैंने यहाँ डाल दिया है, आपको भी वैसे ही करना है जैसे कि मैं स्क्रीन पे पहले बता चुकी हूँ कि मेंशन कर दूँगी कि मैंने कितना कितना प्रोडक्ट लिया है। थर्ड में यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। मैं अगेन कहती हूँ कि आपके पास जो भी ब्रांड का हो वो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, और आपके पास फ्रेश है तो वो भी यूज़ आप कर सकते हो। तो अच्छे से इसमें भी 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हो, बट मैं उतना ही बताऊँगी जितना मैं ले रही हूँ। इसको भी आप अच्छे से यहाँ डाल लो। मैं यहाँ डालने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने कोई स्पून या कुछ भी नहीं लिया है, मैं अपने अंदाजे से ही इसमें मिक्स कर रही हूँ। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो स्टेप हमारा ये है एप्पल साइडर विनेगर। आप सोच रहे होगे कि टोनर में एप्पल साइडर विनेगर क्यों, ये इसलिए कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एप्पल साइडर विनेगर। बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा या आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा लेकिन मैं बताती हूँ कि जिनके दाग धब्बों की और एक्ने की प्रॉब्लम है वो हमेशा अपने चेहरे पे एप्पल साइडर विनेगर लगाए, डायरेक्ट अप्लाई ना करे। मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर 4 टेबल स्पून डाल लिया है। फिर अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है। अब फाइनली आपको क्या करना है कि बॉटल को जैसे मैं शेक कर रही हूँ अच्छे से शेक कर लेना है और मिक्स कर लेना है, और ये आपका टोनर ऑलमोस्ट तैयार है। ऑलमोस्ट नहीं, फाइनली आपका टोनर तैयार है। आप इसको दिन में और रात में दोनों यूज़ करोगे क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर मिक्स है। तो आप रात को सोते वक्त किसी भी कॉटन पैड या स्प्रे बोतल है तो उससे आप स्प्रे कर लो चेहरे पे। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 7 दिन में आप इसका रिजल्ट देखोगे, आप खुद कहोगे कि हाँ ये अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर टेक्स्चर भी इसका सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, चिपचिपा भी नहीं है, तो अच्छा है। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से टोनर अगर आपको पसंद आया हो जो मैंने बताया हो तो मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।